Hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here to cooperate you always and guide you always. I'm your English teacher, Mansi ma'am. So let's start. Today we are going to read this chapter. This is part 3, Dhyan Chand's hockey. के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो इसमें ध्यानचंद जी की स्टोरी है, ध्यान सिंह की. तो इन 1922 ध्यान सिंह ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. वो हुआ यूँ था कि ऑडियंस में बैठे हुए थे और ये खेलते थे ऐसे थोड़ा बहुत बच्चों के बीच में, और इनको एस लास्ट ओवर पे था, सिर्फ 2 रन करने थे और ध्यानचंद जी ने उसको कर लिया. 4 मिनट बाकी थे, हारने वाली थी टीम, और ध्यान सिंह की वजह से टीम जीत गई. तो तब से उनको हॉकी विजार्ड कहा जाता है, ठीक है ना. तो 1922 ध्यान सिंह ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और उन्होंने 1922 को ब्रिटिश आर्मी इन्होंने ज्वाइन कर ली. दिस इज वेयर ही मेट सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जहाँ पर उनकी मुलाकात मेजर भोले तिवारी से हुई. Who was very fond of hockey and a good player himself, जो कि बहुत शौकीन थे हॉकी के और वो बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी थे खुद में. He recognized the talent in ध्यान सिंह, और उन्होंने ये टैलेंट ध्यान सिंह के अंदर किया. He led the foundations of ध्यान सिंह's net worthy career in hockey, ठीक है. और उन्होंने उनका करियर बना हॉकी में. तिवारी taught him the finer detail and tactics of the game. He emphasized on the fact that as hockey was a team game, he should not hold on to the ball for too long and should pass the ball at the right time. His skillful dribbling would win him applause and appreciation. Also, he was taught that one could score goals not only by hitting powerfully but also by placing and pushing the ball cleverly. This was something Dhyan Singh never forgot. तिवारी सर ने उनको हॉकी के बारे में और डिटेल से समझाया और उसके फैक्ट एंड रूल्स बताए, ठीक है. और ये भी बताया कि एक बॉल को ज़्यादा समय तक नहीं होल्ड करना है और टाइमली टाइम पर उसको पास आउट करते रहना है, ठीक है ना. ये सब कुछ बताया, प्लेसिंग एंड पुशिंग करते रहना उसको बड़ी चालाकी से, जो कि ध्यान सिंह कभी नहीं भूलेंगे. तिवारी एंड ध्यान सिंह डिड नॉट प्ले एट अ फिक्स टाइम. ध्यान सिंह ऑल्सो हैड अटेंड टू हिज आर्मी ड्यूटीज एंड कुड नॉट फाइंड इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे. ध्यान सिंह को आर्मी ड्यूटी अटेंड करनी रहती थी, इसलिए वो इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे. सो ही प्रैक्टिस अलोन ऑन द फील्ड एट नाइट फॉर आर एट अ स्ट्रेच While his army mates rested, जब उनके और दोस्त रेस्ट करते थे तब वो रात में उसकी प्रैक्टिस करते थे, वो भी अकेले. His coach पंकज गुप्ता also helped ध्यान सिंह to develop his skill and strategy. In fact, पंकज गुप्ता affectionately called और इसमें पंकज गुप्ता उनकी help करते थे, क्या उसकी स्ट्रेटजी और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है. तो उनको चांद कहते थे क्योंकि वो उनको ध्यान वुड ग्लो लाइक द मून हिज वर्ड फॉर इंडियन फोनेटिक तो प्रोफेनेटिक. वो उनको ध्यान चांद कहते थे क्योंकि वो मून की तरह चमकते थे. The British officer also encouraged Dhyan Chand. He observed with himself their dedication and never said die spirit. Okay, और
ध्यानचंद को उनके ब्रिटिश ऑफिसर जो आर्मी के थे वो भी बहुत इनकरेज करते थे। ध्यानचंद ऑब्जर्व द सजेशंस दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम अदर एज वेल एंड एडेड टू देम हिज ऑन डेजलिंग स्टाइल। और लोगों के सजेशंस को वो ऑब्जर्व करते थे और अपनी स्टाइल में शामिल करते थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यू हैव टू राइट थॉट वर्ड्स फ्रॉम दीज पैसेज एज फार एज वी हैव रेड इन दिस चैप्टर। ओके।